स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिक गेट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं उनको पढ़ लिया था। ठीक है, लॉजिक गेट हम लोग पढ़ रहे थे और इसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल गेट हैं, तीनों एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, इन तीनों के हमने ट्रुथ टेबल बना ली थी और इन तीनों को स्टडी किया था। इसके अलावा हमने नैंड गेट को पढ़ा था। ठीक है, नैंड गेट हमारा एंड प्लस नॉट गेट। ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था नोर गेट को। नोर हमारा होता है और प्लस नॉट। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे, नैंड गेट और नोर गेट जो हमारे सार्वत्रिक द्वार होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, इनको यूज करके हम लोग एंड और नॉट गेट बना सकते हैं। तो हम लोगों ने नैंड गेट के लिए तो ये पढ़ लिया था कि नैंड गेट से हम एंड और नॉट गेट कैसे बनाएंगे। नैंड गेट से अगर हमें एंड गेट बनाना हो तो हमें दो नैंड गेट की आवश्यकता होती है, और अगर हम नैंड से और गेट बनाना चाहें तो हमें तीन नैंड गेट की आवश्यकता होती है, और अगर हम नोट बनाते हैं तो हमें सेम इनपुट देना होता है, यानी हमारा सिंगल इनपुट होता है, उसके बाद में हमारा नैंड नोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक स्टडी कर लिया था। और जो हमारा नोर गेट होता है, ये हमारा और प्लस नोट होता है, यानी जो और का ऑपरेशन हमको मिलेगा उस और का इनवर्स रहेगा, उसका बार होगा। ठीक है, तो उसका बार हमको मिलता है। तो नोर की हमने ट्रुथ टेबल बना ली थी। तो हमारे पास में जो नोर गेट होता है, इसका सिंबल क्या होगा कि जो और गेट होगा उसके साथ में एक नोट गेट लगा होगा। ठीक है, ये होगा अपने। ये हमारे पास में दो इनपुट है, ए और बी। आउटपुट क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये बबल जो है वो किसको शो कर रहा है, नोट गेट को शो करता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ए प्लस बी का बार है। अब हम लोग इसकी टेबल हमने बनाई थी, और ए प्लस बी का बार। ठीक है, यहां पर हम लोग पहले ए प्लस बी शो करते हैं, फिर उसके बाद में a प्लस बी का बार शो करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमें और गेट के अंदर क्या मिलता है, सारे 1 1 मिलते हैं, ओनली एक 0 होता है, यहाँ पर ओनली एक 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नैंड गेट की तरह है, जो नोर गेट है वो भी क्या है, यूनिवर्सल गेट है। तो नोर गेट को यूज करके हम लोग एंड और नोट गेट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि नोट गेट से, इसके लिए पहले हम लोग कुछ ट्रुथ टेबल बनाते हैं, कुछ वेरीफाई करते हैं हमारे एक्सप्रेशन। तो हमारे पास में क्या होगा कि a प्लस a, a प्लस a इक्वल टू a ही आता है। ठीक है, तो ये हम लोग अगर बनाएं तो ये क्या होगा a। ठीक है, और a प्लस a अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 0 है और 1 1 है, तो 0 0 हमारा 0 होगा, 1 1 1 होता है, इसका मतलब a प्लस a हमारे पास में क्या आ रहा है, वापस से a आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग दो जो हमारे इनपुट होते हैं, सेम इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, वही वैल्यू मिल रही है। किसके अंदर, और ऑपरेशन के अंदर वही वैल्यू मिलेगी जो हमारी इनपुट है। ठीक है, और ऐसा हमने उसके में भी किया था, उसमें नैंड गेट के अंदर भी। इसी प्रकार हमारे पास में सेकेंड हम प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी का बार क्या होता है, a प्लस बी होता है, यानी अगर हम डबल टाइम्स यहाँ पर बार ले रहे हैं तो हमें क्या होगा, वापस से a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी का बार और इसका वापस से बार a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम प्रूव करें।
ये हमारा a है और ये b है, ठीक है। तो a 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, तो a प्लस बी क्या मिलेगा? a प्लस बी हमें मिल जाएगा 0 0 1 1, 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है। ये हमें a प्लस बी मिला। अब a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार क्या होगा? इसका बार अपने पास में आ जाएगा 1 0 0 0। अब a प्लस बी के बार का बार 2 टाइम्स है, तो वापस से हम इसका बार करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी के बार का बार वापस से a प्लस बी आ रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में दो रिलेशन प्रूव हो गए। थर्ड रिलेशन हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारे पास में क्या होता है कि a बार प्लस b बार का बार अगर हमारे पास है, यानी थर्ड हमारा रिलेशन है कि अगर a बार प्लस b बार फिर उसका वापस से बार लें तो क्या बन जाता है? ए बी बन जाता है, ठीक है, ए डॉट बी बन जाता है। इसको हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से प्रूव करेंगे, क्योंकि ये डी मॉर्गन थ्योरम होती है। यहाँ पर हम लोग ट्रुथ टेबल से प्रूव कर रहे हैं, फिर हम डी मॉर्गन थ्योरम से लिखेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कि ए बार प्लस बी बार का बार ए बी होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग टेबल बनाए इसके लिए। तो यहां से अब हम पहले इसको वेरीफाई करेंगे जो हमारे ट्रुथ टेबल होती है उससे। तो एक तो हमारा इनपुट क्या होगा? ए होगा। दूसरा हमारा इनपुट क्या होगा? बी होगा। तो हमारे पास में आ जाएगा 0 0, 0 1, 1 0 1 1, ठीक है, ये हमारे इनपुट है। इसके बाद में हमें प्रूव करना है ए बार और बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो यहां पर हमारा आ जाएगा ए बार प्लस बी बार और फिर वापस से इसका बार। ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर हम पहले ए बी को भी निकाल सकते हैं, आप लोग यहां बना लेना ए और बी लिखने के जस्ट बाद में। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा ए बी, या फिर चाहे आप यहां पर ऐड कर देना। तो ए बी हमारा क्या होगा? 0 0, 0 0, 0 और ये 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए बार। ए बार क्या आएगा? यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 0 0। बी बार क्या आएगा? 1 0 1 0। अब हम ऐड करें, ए बार प्लस बी बार करें तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 1, ये भी 1 और ये 0। अब जो हमारे पास में ए बार प्लस बी बार आया है इसका वापस से बार, तो ये क्या बन गया? 0 0 0 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारी ए बी और ए बार प्लस बी बार का बार सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमारे पास में तीन चीजें हैं, ए प्लस बी का बार ए प्लस बी होगा, ठीक है, और ए बार प्लस बी बार का बार ए बी होगा। अब हम क्या करते हैं, नोट गेट को यूज, ये जो हमारा नोर गेट है इसको यूज करके एंड और नोट गेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा कि तीन रिलेशन थे हमारे, ए बार प्लस बी बार का बार, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। इन तीनों रिलेशन से हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो
तो ये हो जाएगा नोर गेट को यूज करके। नोर गेट से एंड और तथा नोट गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट गेट बना रहे हैं। नोट गेट हमारा क्या होगा, सिंपली नोट गेट में क्या होता है, जो इनपुट है उसका बार हमें मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर सेम इनपुट दे देते हैं। ये हमारा सेम इनपुट है ए, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ए प्लस ए का बार, और ए प्लस ए हमारा ए ही होता है, इसका मतलब हमें ए बार मिल जाएगा। ये हमें मिल जाएगा ए बार। ठीक है, यानी जो हमारा नोर गेट होता है, ये हमारे पास में नोट प्लस और गेट जो है, नोर गेट का अगर हम दोनों इनपुट सेम रखे तो ये किसकी तरह होगा, नोट गेट की तरह होगा। ठीक है, क्योंकि नोट गेट में सिंगल इनपुट। अब अपन बात करते हैं एंड गेट की। फर्स्ट सेकंड हम निकालते हैं एंड गेट। एंड गेट हमें कब मिलता है, जब हमारा ऑपरेशन क्या हो, ए डॉट बी हो। ठीक है, ए डॉट बी के अंदर हमें एंड गेट मिलता है, तो हमें ए डॉट बी प्रूव करना है। तो हमारे पास में क्या होगा, हम देख सकते हैं कि ए बार प्लस बी बार का बार हमारा क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो पहले हमें ए बार चाहिए, उसके बाद में बी बार चाहिए होगा, और फिर उसके बाद में हमें ये निकालना है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, सेम इनपुट का एक नोर गेट, इससे हमें क्या मिला, ए बार, फिर से सेम इनपुट का एक नोर गेट, ये हमारा ए है और ये बी है। तो इससे हमें क्या मिला, बी बार मिला। और अब हमें क्या लगाना है, फिर से एक नोट गेट यूज करना है, ये नोर गेट यूज करना है। तो ये हमें मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार, और ये हमारा हो जाएगा ए बी। इसका मतलब नोर गेट से एंड गेट बनाने के लिए तीन नोर गेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम नोर से और गेट बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना लो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग नोर गेट को यूज करके क्या बनाते हैं, और गेट बनाते हैं। तो ये बन जाएगा और गेट हमारा। और गेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी के बार का बार हमारा वापस से ए प्लस बी होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, दो नोर गेट लगा देंगे। इसके अंदर हमें एक बार बार मिलेगा, ए प्लस बी का बार, फिर हम यूज करेंगे नोर गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी के बार का बार, और ये होगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा दो नोर गेट हैं तो उनसे हम क्या बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं। तीन नोर गेट से एंड गेट बना सकते हैं, और उसके बाद में अगर हम सिंगल इनपुट दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वन इनपुट जो अगर हमारा होगा, ठीक है, तो उससे अपने पास में नोर को हम चेंज कर सकते हैं नोट के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे गेट है वो यूनिवर्सल गेट है, इनसे हम तीनों गेट जो हमारे फंडामेंटल गेट है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स और गेट, एक्सोर गेट जब इसे कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट एक निष्ठ अपि द्वार जो हमारा होता है। ठीक है, एक बार इसको बना लो, फिर हम लोग एक्सोर गेट को पढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा एक्स और गेट, ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट होता है, इसे कहते हैं एक निष्ठ अपि द्वार। ठीक है, इस गेट की क्या विशेषता होती है कि हमारे पास में जो आउटपुट है वो वन तभी मिलता है जब दोनों इनपुट्स में से एक वन हो। ठीक है, यानी हमारे पास में कोई ट्रुथ टेबल है अगर, ए और बी, और ये हमारा एग्निस्ट अपि द्वार यानी एक्सक्लूसिव और गेट है, इनपुट है हमारे 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा 0 1 1 0। इसका मतलब जो हमारा इनपुट है अगर दोनों में से एक वन होगा तब हमारे पास में वन आता है, वरना क्या रहता है, 0 रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब दोनों इनपुट सेम होते हैं, जैसे 0 0 है या 1 1 है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 रहेगा, और अगर दोनों इनपुट में से एक डिफरेंट है तब क्या होता है, आउटपुट 1 मिलता है। तो इसको एक तुलनित्र की तरह भी यूज करते हैं, इसको असमानता तुलनित्र की तरह, इनइक्वालिटी कंपैरेटर की तरह, कि जब दोनों समान नहीं है, ठीक है, तब हमारे पास में हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, हमारी हमारे हाई स्टेट या फिर जो ट्रू स्टेट होगी, 1 वाली स्टेट, वो कब होगी, जब दोनों इनपुट सेम नहीं है। ठीक है, तो इसे इनइक्वालिटी कंपैरेटर कहते हैं। इस गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है अपना, और गेट की तरह ये बस यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, और दो इनपुट हमारे ए और बी, ठीक है, और आउटपुट हमें मिलता है y इक्वल्स टू ए, और ये जो हमारा सम होता है इसके हम रिंग बनाते हैं, ये वाला इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलता है, और इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग एक तो इस प्रकार से, या फिर इसके आउटपुट को कि y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी बार प्लस का ए बार बी, यानी दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अगर हमारा इनपुट ए तो बी का क्या होना चाहिए, 12 है यहाँ पर, एक बार हमारा अगर ए 1 है या फिर ए 0 है तो बी उससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों सेम नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास में क्या होता है कि हमें 1 तभी मिलता है जब दोनों असमान होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इनइक्वल स्टेट पे जब होंगे तभी 1 मिलेगा, तो ये इसका आउटपुट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगी, ए बी बार और प्लस का ए बार बी हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा, इसके हम ट्रुथ टेबल बनाएं, वाई इक्वल्स टू ए बी बार प्लस का ए बार बी, दो तरीके से लिखते हैं, एक हमारा ये भी होता है कि y इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए बी का बार। ठीक है, तो यहां पर जो ये हमने a और ये रिंग सम जो हमने बनाया है b, ये इसी ये जो ऑपरेशन है उसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या होगा कि हमारा a इनपुट है और b इनपुट है, ए बी बार, तो हम लोग एक बार a बार और b बार लिख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस का ए बार बी। ठीक है, तो ए बी बार प्लस ए बार बी अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, तो ए बार 1 1, 0 0, बी बार क्या होगा, 1 0, 1 0, ए बी बार, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, या तो ए बी बार क्या आएगा, ए और बी बार को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0, 1 1 1, 1 0 0। ठीक है, फिर हम कर रहे हैं ए बार और बी, ए बार और बी को मल्टीप्लाई किया, 0
वन 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 जीरो जीरो वन जीरो। अब हमें क्या करना है, ए बी बार और ए बार बी को ऐड करना है। तो ये आ जाएगा ए बी बार प्लस का ए बार बी। तो ए बी बार प्लस ए बार बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे, जीरो वन वन जीरो, यही मिल रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट होता है, इस तरह से इसके सिंबल से इसको शो करते हैं और ये हमारे पास में आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से हम इस वाले को प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए बी बार, ठीक है। इसको अगर हम प्रूव करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में a है और ये हमारे पास में b है, a प्लस बी हम निकाले और ए बी बार निकाले। तो एक बार हम ए बी निकाल लेंगे और एक बार ए बी बार निकाल लेंगे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, इनपुट जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो ए प्लस बी जीरो वन वन और ये भी वन रहेगा। ए बी क्या होगा, जीरो 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 और ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, जीरो 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 और वन, ए बी बार तो वन 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 जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए बी बार का मल्टीप्लाई, तो जीरो वन जीरो वन 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 फिर से वन और वन जीरो जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्सक्लूसिव और गेट जो है उसकी ट्रुथ टेबल आ गई, ठीक है। अब जो दो हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन जो हमने लिखे हैं, इनको हम लोग गेट बना करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये बना लें फिर हम इनके गेट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनके अगर हम लॉजिक सर्किट बनाए, तो ये लॉजिक गेट को यूज करके ए बी बार प्लस का ए बार बी, तो क्या आएगा, ए बी बार, ठीक है। यानी हमारे पास में आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी बार मिलना चाहिए, यानी बी का हमें बार मिले और फिर दोनों मल्टीप्लाई हो। तो दोनों मल्टीप्लाई तो कब होते हैं, एंड ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। जब हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, मल्टीप्लाई होते हैं। और बार हमें कब मिलता है, नोट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं नेंड के अंदर। नेंड के अंदर भी अगर वो जो हमारा सिंगल इनपुट होता है तो हमारे पास में क्या मिलता है, बार हमें मिलता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि हमें एंड गेट और नोट गेट चाहिए होगा। तो हम लोग इसका, ये हमारा इनपुट है ए, ये हमारे पास में नैंड गेट है, एंड गेट है, ठीक है। और एंड गेट का हमारा आउटपुट क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, ए बी बार चाहिए, ठीक है। तो हम पहले एक सिंगल इनपुट ले लेंगे ए, और जो हमारा दूसरा इनपुट है उससे पहले हम नोट गेट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर इसका बार मिल जाएगा। जब हम ये बबल लगाते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इनवर्स हो रहा है ये, ठीक है, बार में कन्वर्ट हो रहा है ये। तो ये हमारे पास में आ गया ए और बी, ए बी बार, ठीक है। फिर उसके बाद में ए बार बी, तो जो हमारा दूसरा एंड गेट है
इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ए बार बी मिलना चाहिए। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं इसे, ठीक है, हमारे जो ए बी इनपुट है। अब हमारा बी तो हमें डायरेक्ट ले सकते हैं हम, क्योंकि बी है, लेकिन ए का क्या है, बार है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक बबल लगाना होगा, फिर से नॉट गेट हमारा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बार बी बन जाएगा। अब ये दोनों सिंपली ऐड हो रहे हैं, तो इन्हें हम एक और गेट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, ये हमारा आउटपुट आ गया, वाई इक्वल टू ए बी बार प्लस का ए बार बी। ठीक है, हमें यहां से ए बी बार चाहिए था, तो बी के लिए हमने नॉट गेट लगा दिया। फिर हमें ए बार बी चाहिए था, तो यहां पर हमने एक नॉट गेट लगा दिया, तो ये हमें मल्टीप्लाई होकर के मिल गए। और फिर हमें सिंपली इनका सम चाहिए, तो हम और गेट को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस वाले के लिए बनाए, तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी हमें किससे मिल जाएगा, और गेट से। ए बी बार हमें किससे मिलेगा, नैंड गेट से। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा, और फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब एक एंड गेट। ठीक है, तो ए प्लस बी बना ले पहले हम, ये हमारा और गेट है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब हमारे पास में ए बी का बार है, ए बी का बार किससे मिल जाएगा, एक एंड गेट, नैंड गेट से। ठीक है, तो ये आ गया ए बी का बार, ये जो हमारे इनपुट है, ए बी का बार। और अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल मल्टीप्लाई किसमें होते हैं, एंड गेट के अंदर। तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए बी का बार। ठीक है, ये हमारे पास में जो हमारा एक्स और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट, इसे तुलनित्र की तरह यूज किया जाता है, इनइक्वालिटी कंपैरेटर की तरह, कंपेयर करने के लिए कि जब दोनों असमान होंगे तब हमारे पास में क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट था, इसको बना ले डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बूलिए प्रमेय। बूलियन थ्योरम्स, ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम लोग जो बूलिए, इसके अंदर कुछ जो हमारे संख्याएं होती हैं उनको पढ़ते हैं। बीजगणित के कुछ जो नियम होते हैं उस वो नियम इसमें बूलिए बीजगणित में भी लागू होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो बूलिए बीजगणित होगी, ठीक है, बुलियन एलजेब्रा जो है इसमें नॉर्मल एलजेब्रा के जो नियम होते हैं, ठीक है, वो इसमें भी सही रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि पहला हम क्रम विनिमय, जो होगा, यानी अगर हमारे पास में ए प्लस बी है तो बी प्लस ए ए की बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा और ऑपरेशन है इसके अंदर ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होगी। इसी प्रकार एंड ऑपरेशन के अंदर ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, यानी जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या रहेगा, इसके अंदर भी बूलियन एलजेब्रा के अंदर भी क्या होता है, लागू होता है, वैलिड रहता है ये। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा कि जो हमारा साहचर्य नियम है वो भी पालन होता है बूलियन एलजेब्रा के अंदर।
तो ये हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। इसी प्रकार ए बी सी हमारा ठीक है, ए बी सी और इक्वल रहेगा ए बी सी ठीक है। तो साहचर्य का नियम इसका भी पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है ठीक है। तो ये जो हमारे बूलियन एलजेब्रा है इसके अंदर नॉर्मल एलजेब्रा के जो नियम होते हैं दोनों का पालन होता है ठीक है। अब हम इसके जो ऑपरेशन है हमारे पास में एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन ठीक है। एंड जो हमारी संक्रिया है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई की या हम कह सकते हैं डॉट ऑपरेशन होता है इसके अंदर, और जो हमारा और ऑपरेशन है इसके अंदर क्या होता है प्लस होता है ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई और प्लस ही है। तो इनके लिए हम कुछ नियम होते हैं, तो यहां पर कुछ नियम रहेंगे इनके लिए। तो जो हमारी बाइनरी सिस्टम है इसके अंदर जीरो और वन दो ही डिजिट होती है, तो यहां पर हम लोग इनके लिए कुछ नियम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं और के लिए, या फिर हम लोग एंड के लिए अगर लिखें, आधारभूत नियम होते हैं इसके। तो फर्स्ट हमारा कि ए प्लस या ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है ठीक है। अगर हमारे पास में कोई भी इनपुट है और अगर एक जो लो होगा या जीरो होगा तो हमें क्या मिलता है, ए डॉट जीरो जीरो मिलता है ठीक है। इसी प्रकार ए डॉट वन ठीक है, ए ही होगा, ए डॉट वन हमारा क्या होता है ए होता है, और ए डॉट ए जो होता है वो भी ए होता है। यहां पर हम लोग एंड और इसके लिए साथ में और के लिए बना लेते हैं। और के लिए क्या होगा, ए प्लस जीरो जीरो होता है, ए प्लस जीरो ए होता है ठीक है। और यहां पर ए डॉट वन हमारा ए होता है और इसके अंदर ए प्लस वन वन होता है ठीक है। थर्ड हमारे पास में आता है ए डॉट ए ए होता है, ए डॉट ए क्या होगा ए होगा, और इसके अंदर भी ए प्लस ए ए ही होता है ठीक है। फोर्थ हमारा ए डॉट ए बार जीरो होता है, और फोर्थ इसके अंदर ए प्लस ए बार वन होता है ठीक है। तो यहां से ये हमारे एंड ऑपरेशन के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल रहते हैं, और ये हमारे पास में और ऑपरेशन के लिए होते हैं। तो आगे जब भी हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इनको यूज करेंगे ठीक है। यानी जो भी हमारी बूलियन एक्सप्रेशन आती है, जैसे मान लो हमारे पास में ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी कोई भी एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे इन रूल्स को अप्लाई करेंगे वहां पर, ये फंडामेंटल रूल्स हैं इनके। तो इनको लिख लो, फिर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लो है पूरक नियम। पूरक नियम क्या होता है, ए बार का बार हमारा वापस से ए होता है ठीक है। फिर है हमारे पास में अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लो ठीक है। अवशोषण नियम के अंदर हमको प्रूव करना होता है कि ए प्लस बी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए होता है ठीक है।
ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग इसे प्रूव करें, ए प्लस ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ए को हमने कॉमन लिया, वन प्लस बी। वन प्लस बी क्या हो जाएगा, किसी के अंदर भी अगर हम वन को ऐड करते हैं तो वन बन जाता है, तो ये वापस से ए आ जाएगा। इसका मतलब ए प्लस ए बी, ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ बुलियन एक्सप्रेशन है, इनको प्रूव करें इस अवशोषण नियम के अंदर। एक तो हमारी ये आती है, सेकंड हमारे पास है ए प्लस ए बार बी, और हमें इसे प्रूव करना है ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, और थर्ड हमारे पास में है ए प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए प्लस ए बी बार इक्वल टू हमारे पास होता है ए होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करने दोनों, सेकंड और थर्ड, कि ए प्लस ए बार बी तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और ए प्लस ए बी बार हमारा जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इनको हम लोग प्रूव करें। सेकेंड को हम प्रूव करते हैं कि ए प्लस ए बार बी, इसमें इसको हम लिख सकते हैं ए वन प्लस बी। ठीक है, क्योंकि वन प्लस बी वन होता है और ए डॉट वन वापस से ए होता है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं वन प्लस बी से, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, क्योंकि वन प्लस बी वन ही होता है, ए बार बी। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए बी प्लस का ए बार बी। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए बार, और बी को हम कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बार वन होता है, वन डॉट बी हमारा वापस से बी हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं ये हमको सोल्व करने होते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ए प्लस ए बार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन हो कि ए प्लस ए बार बी, इस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमम गेट यूज करके बनाना है। ठीक है, हमें इसमें गेट को यूज करके इसका सर्किट बनाना है और मिनिमम गेट हमें यूज करना है, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई अगर हम इसे करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, ए प्लस बी आता है, इसका मतलब एक और गेट है ये। ठीक है, ये हमारे पास में है ए और बी, ए प्लस बी, यानी एक और गेट से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ए प्लस ए बी बार इक्वल टू ए, इसको हम प्रूव करें, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए बी बार इक्वल टू, वापस से हम मल्टीप्लाई कर दे वन प्लस बी ए बी बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस का ए बी बार। ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार क्या होता है, वन होता है, तो ए प्लस ए डॉट वन, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, ए प्लस ए वापस से ए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है, सिंपली ए आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारे एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर आते हैं, जहां पर ये हमारा बड़ा जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो बूलियन थ्योरम्स हैं, बूलियन प्रमेय जो आपकी हैं, उसमें आती है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर हमें क्या करना होता है कि इनवर्स लेते हैं हम लोग जो भी हमारे एंड और ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन प्रमेय में हमारे पास में क्या होता है कि अगर हमारा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी इन सब का बार है, ठीक है, हमारे पास में क्या है
जो भी हमारे इनपुट है इनके बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है, और उसका हम क्या ले रहे हैं, बार ले रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस का सी बार प्लस डी बार, ठीक है। और अगर हमारे पास में क्या है, ये इसका फर्स्ट होता है, सेकंड होता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बार, तो इसको लिखते हैं ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार, इस प्रकार, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन की दो थ्योरम्स होती है कि ए डॉट बी, तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास में ए डॉट बी का बार है, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार में क्या होगा, ओपन होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि अगर हमारा एंड ऑपरेशन है और उसका हमने क्या लिया हुआ है, बार लिया हुआ है, तो क्या होगा, एंड ऑपरेशन हमारा और में चेंज हो जाएगा और इन सब का अलग अलग बार आएगा, यानी इन सब का हमें अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री पूरक मिलेगा, ठीक है। अगर ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, इनका हमारा कंप्लीट एक साथ में इनका पूरक अगर हमने ले रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग सेपरेटली इनका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एंड ऑपरेशन और में चेंज हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई जो हमारा डॉट था वो प्लस में चेंज हो गया। और सेम कंडीशन इसके अंदर होगी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका बार है, तो ये जो प्लस प्लस है वो तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और इन सबका सेपरेटली पूरक हमारे पास में आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं और इनको यूज करके बूलियन एक्सप्रेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉजिक सर्किट वाले जो आपका टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हैं।